सुप्रभात बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण संबोध के अंतर्गत शब्द और उनका वर्गीकरण भाग दो पढ़ेंगे व समझेंगे। आइए जानते हैं शब्द भेद। शब्द भेद के चार प्रकार में से उत्पत्ति के आधार पर व रचना के आधार पर शब्द भेद को पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे व समझेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द भेद सात भागों में बांटा गया है। पहला है पर्यायवाची, दूसरा है विलोम, तीसरा है अनेकार्थी और चौथा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ध्वनिबोधक शब्द, समूहवाची और सातवां है पुनरुक्त शब्द। सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द को समझेंगे। आइए जानते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्यों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से देखें। सूर्य, सूर्य को रवि, भास्कर, सूरज, आदित्य आदि नाम से भी जानते हैं, इसलिए सूर्य का समानार्थी शब्द ये सारे कहलाएंगे। दूसरा उदाहरण है पर्वत। पर्वत को भूधर, पहाड़, शैल, गिरी आदि नामों से जाना जाता है, इसलिए ये उनके पर्यायवाची शब्द हुए। तीसरे उदाहरण देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी का नाम यानी उनके और भी पर्यायवाची शब्द भू, भूमि, धरा, वसुंधरा और धरती। इस तरह से हम पर्यायवाची शब्द को समझ सकते हैं। आइए जानते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ शब्द है अमृत। अमृत का विलोम शब्द होगा विष और सम्मान। सम्मान का अपोजिट होगा, उल्टा होगा अपमान। सच, सच का उल्टा झूठ। इस तरह से हम विलोम शब्द को समझ सकते हैं। आइए जानते हैं अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है अंबर। अंबर को वस्त्र, आकाश, कपास आदि अनेक नाम हैं। कनक, कनक को सोना भी कहते हैं, धतूरा भी कहते हैं और गेहूं भी कहते हैं, इसलिए एक कनक से अनेक अर्थ स्पष्ट हो रहे हैं। कर, कर को हाथ भी कहते हैं, कर को किरण भी कहते हैं, कर यानी टैक्स पटाना भी होता है, कर पटाना, सुने होंगे आप लोगों ने नाम। तो इस तरह से अनेक इनके अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तीर, तीर का मतलब होता है तट, बाण, समीप। अलग अलग स्थान पर अलग अलग इनके अर्थ स्पष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आइए आगे देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा में कई शब्दों के स्थान पर जिस एक शब्द को बोलकर भाषा को अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाया जाता है, उस एक शब्द को एकार्थी शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। आइए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जल में रहने वाले जीव जंतु। जल में रहने वाले जीव जंतु को क्या कहा जाता है? जलचर। इतने सारे, इतने बड़े वाक्य को लिखने के बजाय हम जलचर कहेंगे तो आप समझ जाओगे कि जल में रहने वाले जीव जंतु। उसी प्रकार दूसरा है अंडे से जन्म लेने वाले अंडज। और आकाश में विचरण करने वाले को क्या बोलते हैं? नभश्चर। इस तरह से हम जान जाएंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर हम अपने वाक्य को, अपने भाषा को अत्यधिक प्रभावशाली और आकर्षक बना सकते हैं। आइए देखते हैं ध्वनिबोधक शब्द। ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनका उच्चारण प्रायः समान होता है किंतु अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को ध्वनिबोधक शब्द या भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए इसको उच्चारण के माध्यम से समझें, उदाहरण के माध्यम से समझें। यहाँ देखिए अन और अन्य, इसके उच्चारण में ज़्यादा अंतर नहीं हो रहा है। और यदि श्रुति में भी हम वो करें, श्रुति उच्चारण अर्थात सुनने में त्रुटि करें या बोलने में त्रुटि करें, दोनों ही स्थिति में ये जो शब्द हैं
उनके अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो जाएंगे, इसलिए इसे कहा जाता है ध्वनि बोधक शब्द। तो अन्न माने होता है अनाज, और यदि अन्य कहा जाए तो हो जाता है दूसरा। दिन, दिन माने दिवस, और यदि दीन ऐसा कहा जाए तो क्या हो जाएगा, गरीब। तरणी, तरणी यानी होता है सूर्य, लेकिन तरणी ऐसा कहा जाए तो हो जाएगा नौका। मणि यानी होता है रत्न, और मणि ऐसा का बड़ा मात्रा जो है अड़ा में बड़ी की मात्रा हो जाने से वह क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ध्वनि बोधक शब्द उच्चारण में त्रुटि या फिर श्रवण में त्रुटि से इसके अर्थ के अनर्थ हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए जानते हैं समूहवाची शब्द। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, फूलों का समूह, इसके लिए हिंदी भाषा में एक अलग ही शब्द बना हुआ है, गुलदस्ता। इसी प्रकार खिलाड़ियों का समूह टीम कहलाता है, लोगों का समूह भीड़ कहलाता है, भक्तों का समूह मंडली कहलाता है, और लकड़ियों का समूह गट्ठर या गट्ठा कहलाता है। देखिए, ये है गुलदस्ता, खिलाड़ियों का समूह टीम, और लोगों का भीड़, लोगों के समूह को भीड़ कहते हैं। ये है भक्तों का समूह, ये है लकड़ी का गट्ठा। आइए आगे देखते हैं पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द किसे कहते हैं, पुनः पुनः आना, अर्थात बार बार आना। जहाँ किसी शब्द या पद की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे झेलते झेलते, कुछ कुछ, खेलते खेलते, गर्म गर्म, क्या क्या, नगर नगर आदि इसके उदाहरण हैं। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से इनका प्रयोग करके। रोहन ने क्या क्या कहा, खेलते खेलते चोट लग गई, गर्म गर्म नाश्ता कर लीजिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इस तरह से हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है, वह सभी विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में, विशेषण शब्दों में, क्रिया शब्दों में। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं, लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां आदि। ये सारे क्या हो रहे हैं, इसमें विकार आ रहे हैं, क्योंकि सब में लड़का नहीं है, कहीं लड़की है, तो कहीं लिंग के कारण है, कहीं वचन के कारण है, तो किसी न किसी कारण से लिंग, वचन, काल आदि के कारण विकार जो है संज्ञा शब्दों में आते रहते हैं, इसलिए संज्ञा शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं, लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, लड़के खेल रहे हैं। इस प्रकार के विकार को विकारी शब्द कहते हैं। सर्वनाम शब्दों में वह, मैं, हम, तुम, उसे, तुम्हें, मुझे, हमारा आदि। सर्वनाम शब्दों में ये सारे शब्द क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन वाक्यों के अनुसार इनके उच्चारण होते हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं इसको। वह पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पर वह लगा हुआ है दूसरे नंबर में, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यहाँ मैं का उच्चारण हुआ है, मैं का प्रयोग हुआ है। तीसरा है हम पढ़ाई कर रहे हैं। इस प्रकार से सर्वनाम शब्दों में भी परिवर्तन होते हैं, इसीलिए सर्वनाम शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। आइए जानते हैं विशेषण शब्द। विशेषण शब्द किसे कहते हैं, जो क्या करता है, विशेषता बताता है, अच्छा, अच्छी, अच्छे आदि। यहाँ है राम अच्छा लड़का है, राधा अच्छी लड़की है, वे अच्छे लोग हैं। इस तरह से
विशेषण अच्छा, अच्छी, अच्छे में परिवर्तन आ गया है, तो इसे हम विकार शब्द कहते हैं इसी कारण से। क्रिया शब्द आता है, आएगा, आ रहा है, आया, ये क्या है? ये सारे क्रिया शब्द हैं। मोहन प्रतिदिन आता है, राम कल आएगा, श्याम आ रहा है। यहाँ आता है, आएगा, आ रहा है में विकार आ गया है, इसलिए इसे विकारी शब्द कहते हैं। आइए जानते हैं अविकारी शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहे जाते हैं। अविकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, और इनके उदाहरण से चारों को हम विस्तार से समझते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, तेज दौड़ती है, तेज दौड़ता है, तेज दौड़ते हैं। यहाँ शुरुआत में ही हमें पता चल रहा है कि ये तेज जो है क्रिया विशेषण शब्द है, तेज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए इसे अविकारी शब्द कहते हैं। राम तेज दौड़ता है। एक दूसरा उदाहरण है, वह धीरे धीरे खाता है, तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है, वो खाने की क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तीसरा है, वह जल्दी लिखता है, तो जल्दी यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण है, तो जल्दी में कहीं भी परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इसे अविकारी शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द, और, लेकिन, या, किंतु, इसलिए, आदि, राम ने खाना खाया और सो गया, तो यहाँ पर दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? और। श्याम को तेज बुखार है इसलिए वह आज नहीं खेलेगा, तो इसलिए यहाँ क्या कर रहे हैं? दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए इसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो ये जो समुच्चय बोधक शब्द हैं उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, ना लिंग के कारण, न कारक के कारण, न वचन के कारण, और ना ही काल के कारण, इसीलिए इसे विकारी अविकारी शब्द कहते हैं। संबंध बोधक शब्द, के आगे, के पीछे, के बाहर, से नीचे, के लिए, की तरफ आदि, संबंध को बताता है। उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से, मेरे घर के आगे बगीचा है, इसमें बताया जा रहा है कि उनके घर के आगे क्या है, तो के आगे, के पीछे, यहाँ राधा के घर के पीछे क्या है? स्कूल है, तो के पीछे में भी कोई परिवर्तन नहीं आया, के आगे में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। मोहन घर के बाहर है, के बाहर, ये सारे शब्द जो है संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ना ही किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द, वाह, वाह के बाद संबोधन चिन्ह लगा है। देखिए, विस्मयादि बोधक शब्दों को हम इन संबोधन चिन्हों के माध्यम से पहचान सकते हैं कि ये सारे क्या हैं, विस्मयादि बोधक शब्द हैं। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, शाबाश, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, वाह, राम ने बहुत अच्छा काम किया, अरे, श्याम तो जीत गया, तो इन शब्दों में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, ना ही लिंग के कारण होता है, ना काल के कारण, ना ही वचन के कारण, कोई भी समय हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी लिंग हो, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, तो ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। यानी कि विकार यानी क्या होता है? विकृत या बदल देना, और जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव ना आए वो क्या है? अविकारी है। तो आज हमने अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्द भेद को समझा। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए अभ्यास प्रश्नों को अब आप स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। पाठ के खत्म होने के बाद आप देखेंगे पीछे अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। अब आपने वीडियो देख लिया है, आपने समझ लिया है, आपको मैंने पढ़ा दिया है, तो कोशिश कीजिए कि अभ्यास अब आप स्वयं बनाएं। बच्चों,
स्क्रीन पर आपको कुछ नजर आ रहा होगा, तो आप बता सकते हैं यह किसका चित्र है? बिल्कुल ठीक, ये कछुआ और खरगोश का चित्र है। क्या आप लोग कछुआ और खरगोश की कहानी के बारे में कुछ सुना है? कछुआ और खरगोश की रेस अर्थात दौड़ की प्रतियोगिता थी। कछुआ ये जानते हुए भी कि खरगोश कई गुना तेज दौड़ सकता है, इस प्रतियोगिता में भाग लेता है और इस दौड़ में जीत जाता है। बच्चों, आप लोग जानते हैं इस कहानी में कछुआ हमें क्या क्या सिखा गया? पहला यह सिखा गया कि अपना कार्य पूरी ईमानदारी और लगन से बिना परिणाम की इच्छा से करना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। और दूसरा यह भी शिक्षा दे गया वो कि कभी भी अपने आप को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए और घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ भी असंभव नहीं है यदि आप किसी भी क्षेत्र में मन लगाकर परिश्रम से कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।